हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इवनिंग में मैं कहीं पे गई थी और मतलब स्कूल से आई, बहुत देरी हो गया था, रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिला, तो मैं चली गई थी टेलर की दुकान में। मेरा बहुत सारा कपड़ा था स्टिचिंग के लिए देना था, तो मैं चली गई थी। तो इवनिंग में मैं स्कूल से आई, फिर स्टिचिंग वहाँ पे सब दी। और उससे पहले हम लोग गए थे गिफ्ट शॉप में, क्योंकि मिस्टर पुरोहित का एक बहुत दिनों से गिफ्ट बाकी था किसको देने के लिए। तो वो गिफ्ट मैंने मिस्टर पुरोहित ने किसको दिया वो मैं दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मतलब जब हम गिफ्ट शॉप में थे उस टाइम पे हमें कोई मिला, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो हमारी एक वो सब्सक्राइबर, चलिए थोड़ा सा फिर घूम के आ जाते हैं गिफ्ट शॉप में और उसके बाद चलेंगे बेबी के घर। फिर आने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? दे हाय करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो फ्रेंड्स, हम वहां से आ गए और ये है बेबी का गिफ्ट जो मिस्टर पुरोहित लेके आए थे। तो देखिए बेबी उसे खोल रही है, मगर वो खोल नहीं पाई, तो फिर मिस्टर पुरोहित ने खोला और बेबी अपना आईज क्लोज करके रखी है। जब मिस्टर पुरोहित पूरा खोल के दे देंगे तो बेबी कैसे चौंकेगी देखिएगा। ये देखिए बहुत खुश हो गई और यही चीज़ देखना था इनको कि बेबी खुश हो जाए। ये बेबी से बहुत प्यार करते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिले सबका। लव यू बेबी। और इनको ना ये बारबी डॉल पूरा बेबी जैसे दिखा, आपको भी दिख रहा है ना? तो चलिए फिर मुझे कुछ आपको बताना है, चलिए। फ्रेंड्स, देखा आपने, हम गिफ्ट शॉप में मधु से मिले, मधुस्मिता जिनका नाम है जूली, बहुत ही प्यारी थी। मतलब वो मुझे देख के वहाँ पे चौंक गई। एक्चुअली मैं सब शूट नहीं कर पाई, मैं इतना टायर्ड थी स्कूल से आने के बाद, फिर वहाँ पे गई। फिर अभी हम लोग रेडी हुए हैं ये वाला मूवी जाने के लिए, कश्मीर फाइल्स। यहाँ पे लगा है मूवी हॉल में, तो सुंदरगढ़ में ही जा रहे हैं। तो मतलब टाइम नहीं था, इतना हड़बड़ी था ना सब चीज़ के लिए, मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाई। लेकिन वो बहुत खुश हुई और बहुत ही प्यारी सी थी, तो आप लोगों तो देख चुके हो, बहुत ही क्यूट सी थी वो। तो जब हम लोग वहाँ से फिर आ गए तो वो एक गिफ्ट हमारे लिए वो शॉप में छोड़ दी थी। तो वो भैया फिर मिस्टर पुरोहित को फ़ोन किए, भैया फ़ोन किए क्या? उनका भतीजा बाबू फोन किया कि चाचा आपके एक सब्सक्राइबर यहाँ पे गिफ्ट छोड़ दिए हैं आपके लिए, और मतलब ये फिर मतलब आके लेके जाइए। मैं अभी तक नहीं खोली हूँ क्योंकि मैं बोली कि मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं स्कूल साड़ी पहनी थी, मतलब मैं 7:30-8 बजे तक स्कूल साड़ी में ही थी आज, तो मैं चेंज कर ली क्योंकि मूवी जाएंगे, अभी देरी हो चुका है। तो फटाफट गिफ्ट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है? चलिए फटाफट खोलते हैं जूली का ये वाला गिफ्ट। देखिए मिस्टर पुरोहित इसको खोल रहे हैं। तो ये खुल चुका है इसका पॉलिथिन और यहाँ पे देखिए लिखा है टू सुष्मिता दी फ्रॉम मधुस्मिता, थैंक यू डियर। तो हमने जो भी दिया है बहुत प्यारा होगा, पता है आप ही इतनी प्यारी हो। तो चलिए इसको मिस्टर पुरोहित खोल रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे, क्या है इसमें? बस फ्रेंड देखिए, माँ इतना सुंदर गिफ्ट, मेरा फेवरेट। हे भगवान, ये देखिए इसमें है एक बहुत ही प्यारा सा पर्स, है ना? ये देखिए नेवी ब्लू कलर का, मेरे पास नहीं है ना नेवी ब्लू नेवी ब्लू कलर का पर्स। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और ये वाला जो कलर है ये मिस्टर पुरोहित का भी फेवरेट है, ब्लू कलर ना, ब्लू कोई भी ब्लू उनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। और मधु, मैं आपका मतलब जूली मैं आपका नंबर नहीं ला पाई इसलिए सॉरी। अगर हो सके तो आप जरूर आइए, जरूर मिलिए मुझसे। वो दुकान में जाके आप काउंटर नंबर कम से कम छोड़ दीजिए, या फिर मिस्टर पुरोहित का वहां से ले जाइए, ठीक है? थोड़ा सा बात करना है, बात करना है आपसे। थैंक यू सो मच, बाय।
उसके बाद ये हम लोग आ गए मूवी देखने के लिए, तो मैं एक फ़ोटो खींची थी यहाँ पे, मिस्टर पुरोहित खींचे थे, और मूवी है कश्मीर फाइल, जो कि बहुत ही अच्छा मूवी है, आप लोग भी जाके ज़रूर देखिए। और ये आ गया नेक्स्ट डे का वीडियो, और ये हम डायरेक्ट आके पहुँच गए हैं झारसुगड़ा में, और ये लुइस फिलिप्स का जो शोरूम है, यहाँ से मिस्टर पुरोहित को कुछ लेना था, कोई एक ब्लेज़र लेना था, और बाबू के लिए मीत और मतलब बच्चे लोगों के लिए टी शर्ट्स लेना था, तो यहाँ पे आए, तो बाबू का थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है ना, तो इसीलिए नहीं मिलता यहाँ वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट्स रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है लेकिन अच्छा रहता है। तो आप लोग भी देखिए, हम लोग यहाँ पे जब शॉपिंग कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली, ताकि आप लोग भी देख पाओ ये शोरूम है ना, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। यहाँ से जो लेना था तो मिस्टर पुरोहित ने ले लिया, तो चलिए अभी चलते हैं पैंटलून्स में। और ये है पैंटलून्स का शोरूम, मैं बाहर शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर थोड़ा सा मतलब हमें ना एंट्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास मास्क नहीं था, तो वहाँ से फिर मास्क खरीदे और पहन के गए। और मैं यहाँ पे युग के लिए टी शर्ट्स देख रही थी, शर्ट्स देख रही थी बच्चे लोगों का, कितना क्यूट लगता है, तो मैं ना इतने शॉपिंग में बिज़ी हो गई कि भूल गई शूट करना, तो लास्ट मोमेंट में मैं थोड़ा सा ये शूट कर ली ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि वहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें हैं, और बच्चे लोगों के लिए तो बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें हैं गर्ल्स लोगों के लिए, ये देखिए। और मैं थोड़ा इयररिंग्स भी देख रही थी, पर ये मुझे हेयर बैंड बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ही ले जाऊँ एक हेयर बैंड लगाने के लिए। और ये पाउच सब इतना क्यूट क्यूट था ना गर्ल्स लोगों के लिए, जिनकी बेटी होती है ना वो लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, बेटी लोगों को आप कितना सजा सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो, बेटे लोग का क्या है, पैंट शर्ट पहन लो बस हो गया, और गर्ल्स लोगों को तो मस्त पूरा। और ये है इयररिंग सेक्शन जो कि हमारे लिए है, मैं यहाँ से लाने वाली थी लेकिन बहुत कॉस्ट लगा मुझे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। मैं दूसरा ड्रेस प्रेस लाई हूँ वहाँ से, मिस्टर पुरोहित ले दिए हैं, पर इयररिंग सब देखिए कितना क्यूट और स्मार्ट लग रहा है, इयररिंग सब सारा का सारा इयररिंग जो है यूनिक एंड बहुत ही अच्छा है, बैंगल्स बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ब्रेसलेट्स, तो ये वाला मैं थोड़ा आपको दिखा दी, देखिए मस्त लग रहा है ना। आपको अगर चाहिए ना तो झारसुगड़ा पैंटलून्स में जाइए और वहाँ से लेके आइए, बहुत जल्दी सुंदरगढ़ में भी पैंटलून्स शायद खुल जाएगा, प्रिपरेशन तो चल रहा है बोल रहे थे वो लोग। और यहाँ से शॉपिंग करते हुए 10:30 बज गया था और बहुत जोरों का भूख लगा था, तो हम लोग आ गए हैं ये आर्यन होटल आर्यन में, तो चलिए चलते हैं वहाँ के रेस्टोरेंट में, पहले अंदर चलते हैं, ये उतर चुके हैं हम लोग गाड़ी से। और एज़ यूजुअल मुझे शूट इतना फ्लावर्स देख के तो खुश लगा, तो शूट तो करना ही है, तो मैं थोड़ा शूट कर ली और आपको भी दिखा दी, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये बाबू और जीत अंदर जा रहे हैं, छोटू मैं और मिस्टर पुरोहित बाद में आएंगे, पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी फ्लावर्स, ये फ्लावर्स देखने से मेरा दिल खुश हो जाता है, तो मैं मिस्टर पुरोहित को बुला के दिखा रही थी, देखो कितना सुंदर फ्लावर्स है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया, यहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर था, गणेश जी का और शिव जी का, ऐसे बहुत ही क्यूट सा मंदिर था, तो आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी चलेंगे अंदर, बाद में आके मैं फ़ोटो वोटो उठाऊँगी और सब दिखाऊँगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए मिस्टर पुरोहित और मैं अंदर जा रहे हैं, पहले से ही एक दो कपल और फैमिली बैठे थे अंदर, और हम लोग ठीक टाइम पे पहुँचे, हम लोग सोच रहे थे क्योंकि 10:30 बजे रेस्टोरेंट सब बंद हो जाता है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो वही तो थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए फ़िश कहाँ पे है गैस कीजिए, जी हाँ पत्थर के पीछे देखिए ब्लैक कलर का एक स्पॉटेड फिश है, ये वाला मैं देख नहीं पा रही थी, बाद में फिर देख पाई कि तो क्यूट लग रहा है
है ना। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के खाना वाना खाएंगे। मैं थोड़ा शूट करने के लिए बाहर आई। ये वाला एक कॉर्नर में है, बुद्ध जी का एक बहुत ही प्यारा स्टैच्यू और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। ये पेंटिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शूट की और एक शॉर्ट्स भी बनाई हूँ, छोड़ दूँगी, देखिएगा आप लोग। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, उसका हेयर सब ये प्लास्टिक्स के जो लिप्स है उससे बनाया गया, बहुत ही क्यूट है। मुझे ना ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी पी सकते हो, साइड में एक कॉफ़ी कॉर्नर है ना वहीं पे। तो हम लोग आके थोड़ा शूट कर रहे थे बाहर, मैं बोली खाना जब तक बनता है शूट कर लेते हैं। और ये आ गया हमारा चिकन सूप, तो लेते हैं चिकन सूप का मज़ा। उसके बाद आ गया चिकन लॉलीपॉप, फिर आ गया मंचूरियन नहीं है, ये चिली चिकन है, मंचूरियन नहीं मंगाए थे। और ये सब कोई थोड़ा बहुत खाना पीना कर रहे थे, और फिर हम लोग वेट किए खाने का। तो बाबू का मैं थोड़ा शूट कर ली थी, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको पसंद नहीं, देखिए तो चुट-चुट टाइप का होता है, कि बच्चे लोगों को नहीं पसंद ना। तो मैं उसे छुपा छुपा के शूट कर रही थी, वो बोल रहा था मुझे मत दिखाओ, पर मैं दिखा दी। बच्चे लोग मतलब बहुत मुश्किल से आते हैं वीडियो में। और ये आ गया मिठाई, प्यारा प्यारा मस्त मस्त गरम गरम पांतुआ भी बोलते हैं, गुलाब जामुन भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना। तो मैं एक खाई और मिस्टर पुरोहित एक, बाकी लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स पिए। फिर हम लोग मतलब खाना वाना ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ से जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ का शूट कर लेती हूँ, मस्त प्यारा प्यारा चीज़। ये देखिए एक्वारियम, और ये बैम्बू का एरिया है जहाँ पे फ़ोटोशूट किया जाता है। मैं भी उठाई हूँ, दिखाऊंगी आपको लास्ट में, फ़ोटो सब आएगा। और ये देखिए ये वाला हिस्सा, इतना सुंदर सुंदर रॉक को इतना सुंदर करके डेकोरेट किया जाता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी वैसे ही करती हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे घर में उतना स्पेस नहीं है कि मैं सजा पाऊँ सारा चीज़। ये वॉल देखिए, बर्ड से फूल, कितना प्यारा लग रहा है ना, बर्ड सब पूरा मतलब पैरोट, सारा का सारा पैरोट से बहुत क्यूट लग रहे थे। तो बस यहाँ से खाना पीना करके ये हम लोग जा रहे हैं, पेमेंट करके यहाँ से फिर से मैं शूट की। तो यहाँ पे ना एक झूमर लगा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये बंद है और दूसरा वाला जल रहा था, देखिए लाइट्स अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे भी बंद है क्योंकि बहुत 11:30 हो गया था, 11:30 के ऊपर हो गया था, 12 बजने वाला था। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए। तो बस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि जूली से कि थैंक यू सो मच इतना सुंदर प्यारा गिफ्ट देने के लिए। आज का शॉपिंग बहुत अच्छा रहा, मैं तो सारा शॉपिंग नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आप शूट नहीं कर पाते हो, ऐसे सिचुएशन में होते हो, लेकिन जितना शूट कर पाई उतना मैं दिखा दी और बता दी। तो ये खा पी के आके मस्त, और यहाँ पर मैंने एक बाबू का फ़ोटो उठाया क्योंकि उसने बोला मुझे फ़ोटो उठा दो, और ये कुछ पिक्स उठाए थे हम लोग, आप लोग देख के एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत मस्त वाला ब्लॉग के साथ, होली मस्ती के ब्लॉग के साथ। आप लोग थोड़ा सा झलक तो देख चुके हैं उसका, पर वहाँ पे क्या क्या वो सब मैं दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग। तो इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।